मध्य प्रदेश में आज रात कोटवार कर्मचारी संघ की नीमच शाखा द्वारा आज पारिश्रमिक में वृद्धि की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र में ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है उनके मासिक पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष 500 रुपये की वृद्धि की बात कही थी। वहीं वेतन वृद्धि के आदेश का पालन छिंदवाड़ा, अनूपपुर, गुना, दतिया आदि जिलों में हो रहा है, लेकिन नीमच जिले में आज दिनांक तक वेतन वृद्धि नहीं हुई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कोटवारों के वेतन का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। कोटवारों का कहना है कि उनसे मृत्यु और डाक का कार्य करवाया जाता है और यह कार्य नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। ज्ञापन में वेतन वृद्धि और समय पर वेतन भुगतान की मांग की गई है। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में नीमच जिले के कोटवार उपस्थित रहे। हमारी सबसे पहली मांग तो है कोटवारों की, जो बड़ी मांग है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया था, दिनांक 1/10/2023 को ही आदेश हो गया था, 500 रुपये सालाना बढ़ाना, और उसमें छिंदवाड़ा, अनुपुरा, गुना, दतिया आदि जिलों में बढ़ चुका है, और अभी तक हमारा जो नीमच जिला है पिछड़ा हुआ है, हम भाइयों को अभी तक नहीं मिला है, तो उसके रूप में हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और बताया है कि हमारे को जल्दी से जल्दी मतलब 500 रुपये बढ़ा के दिया जाए, ताकि हम गरीब कोटवार मतलब छोटे पद पे हैं, कार्य बहुत करते हैं, ताकि हमारे वो 500 रुपये बाल बच्चों के पढ़ाई लिखने में काम आए। 500 रुपये एक महीने के होते हैं, 7,000 रुपये सालाना होते हैं, अगर एक साल लेट देंगे तो हमारे 7,000 रुपये का माफ हो जाए, इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को दिया है। एक दो मांग और है, मतलब वेतन वृद्धि टाइम से नहीं मिलती, उसके संबंध में भी साहब को अवगत करवाया है, और कुछ तामील के कारण भी दिया है, ताकि तामील का काम कोटवारों का नहीं है, वो भी हम कोटवारों ऊपर थोपते हैं और बिना बताए कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, तो ये एक गलत बात है कोटवार भाई को परेशान करना, तो इसके बारे में हमने साहब को अवगत करवाया है और साहब ने बोला है 15 दिनों में तुम्हारा जो भी है लिखित में आपको देंगे हम। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल, तहसील अध्यक्ष नीमच। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट।